पाकिस्तान गई हुई अंजू और फातिमा वापस आ गई है। ये एक शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए कि ये वापस क्यों आई हैं। और कई लोगों को ये जानकर कोई हैरानी नहीं हुई कि अंजू वापस आ गई है, क्योंकि सबको यही पता था कि ये एक ना एक दिन वापस आएगी। लेकिन ये इतनी जल्दी वापस आ जाएगी, ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आज के विषय में हर कहीं चर्चा हो रही है कि अंजू उफ फातिमा वापस आ गई है पाकिस्तान से, और वो कह रही है उन्हें अपने बच्चों की याद आ रही थी, इसलिए वो अपने बच्चों से मिलने आई हैं, उनसे बात करेंगी और हो सकता है वो अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाना चाहे। उनके जो पाकिस्तानी पति हैं जिनसे उन्होंने निकाह किया है, उनका कहना है अगर उनके बच्चे उनके साथ आना चाहेंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे, और अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो उनके भारतीय पति हैं अरविंद, उनका कहना है कि हमारी तरफ से अंजू हमारे लिए मर चुकी है। जिस दिन वो हमें छोड़कर, हमारे बच्चों को छोड़कर, हमारे देश को छोड़कर चोरी छुपे पाकिस्तान में अपने प्रेमी के घर चली गई थी, उसी दिन वो हमारे लिए ख़त्म हो चुकी है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है और हमारे बच्चे भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। और हाल ही में उनके पिता ने भी बयान दिया है कि मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ जो हमारी धज्जियाँ उड़ा के चली गई है, जिसने हमारी इज्जत का नहीं सोचा, जिसने हमारे देश का नहीं सोचा, हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। अंजू के लिए इतनी ज़्यादा निराशाजनक और इतना ज़्यादा जो आक्रोश उनके पिता में है, उनके पति के अंदर है, इससे भी ज़्यादा आक्रोश उसके पिता के गाँव में उसके लिए है। और जहाँ उनके पति रहते हैं उस सोसाइटी के लोगों ने भी यही आक्रोश अंजू के खिलाफ दिखाया है, क्योंकि जो अंजू ने किया है, अपने पति अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान जिस तरीके से गई, वो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा आघात पहुँचा। एक औरत के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, वो अपने बच्चों के आगे हर एक मुसीबत सह लेती है। लेकिन अंजू अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर पाकिस्तान अपने प्रेमी के लिए गई, और उसके बाद अब लौटी हैं और अब वो कह रही हैं उन्हें अपने बच्चों की याद आई है। उनके बच्चे भी जो अब इतने छोटे नहीं हैं, समझदार हैं, उन्होंने खुद कहा है उन्हें अपनी माँ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें छोड़कर, रोता बिलखता हुआ छोड़कर चली गई थी। लेकिन अंजू का इस तरह वापस आना सबके लिए हैरानी करने वाली बात है कि आखिर अंजू किस मकसद से वापस आई है। क्या वो पाकिस्तान की एजेंट होके आई है, या फिर कोई और बात है, या फिर अंजू अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती है? क्योंकि अंजू से किए गए जो भी मीडिया कर्मियों ने बात की है, वो हर बात का जवाब घुमा फिरा के दे रही है, कोई भी बात वो क्लियर नहीं कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि वो कितने दिन और इंडिया में रहेंगी या कितने दिन के लिए आई हैं, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी देखते हैं। उनके रुकने का भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनके गांव वाले उन्हें अपने घर नहीं आने देना चाहते, वो अपने गांव की सीमा भी उनसे पार नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक देशद्रोही है। उनके पति का उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो उनको पहले ही भूल चुकी थी, और अब उनके पति भी कह रहे हैं कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम इन्हें नहीं जानते हैं। तो अब ऐसे में अंजू कहाँ रहेंगी, कहाँ है, और क्या आगे उनका विचार है, ये बहुत ही जानने वाली बात होगी। अगर सच में वो पाकिस्तानी एजेंट होके आई हैं, तो जल्द से जल्द उन्हें इस देश से निकाला जाना चाहिए, और अच्छे तरीके से पूछताछ होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी इंसान अपने देश से गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचे।